तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे एक महिला ने 65 की उम्र में मैराथन जीत लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दें। एक महिला ने 65 की उम्र में मैराथन जीत लिया। विन मैराथन मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में अभी आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। बस आप इस मोटिवेशनल स्टोरी को सुनिए, तो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए इस जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करता हूँ। दोस्तों, एक बार एक अंकल सुबह की सैर करने जाया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था, चाहे मौसम कैसा भी हो, उनकी ये आदत बरकरार रहती थी। और अंत में वे अंकल पार्क में बैठ जाया करते थे। वहाँ पर उनके काफी सारे मित्र भी आया करते थे। बातों ही बातों में उनके दोस्तों ने बताया कि शहर में एक मैराथन का आयोजन हो रहा है और तुम्हारे अंदर निरंतरता है, तुम्हें इस दौड़ में भाग लेना ही चाहिए। तो बातों बातों में चढ़ा दिया दोस्तों ने उनको। भाई साहब ने दौड़ में हिस्सा लिया, लेकिन जब दौड़ शुरू हुई तो दौड़ शुरू होने से पहले भाई साहब ने एक महिला को देखा जिनकी उम्र 65 से 66 वर्ष के बीच में लग रही थी। वह भी दौड़ने आई थी और वह साड़ी में आई थी। उस महिला को देखकर इन अंकल को लगा कि इनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, ये कैसे दौड़ेगी। लेकिन कब दौड़ शुरू हुई इसका पता भी नहीं चला, और देखते ही देखते 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद ये भाई साहब तो थक गए, लेकिन वह महिला 2 किलोमीटर आगे दौड़कर पहुंच गई थी। कुछ देर बाद इनको पता लगा कि उस महिला ने दौड़ को जीत लिया है। मीडिया ने उनको घेर लिया, आपने दौड़ को कैसे जीता? तो उन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया कि मेरे पति अस्पताल में भर्ती है, उनके इलाज के लिए 50,000 रुपये की आवश्यकता है, और मुझे किसी ने बताया कि शहर में मैराथन का आयोजन हो रहा है, जीतने वाले को 50,000 रुपये मिलेंगे। सभी ने उस महिला की हेल्प की जितना हो सकता था उस महिला की हेल्प की, और उसको 50,000 रुपये भी मिले। तो दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से सीखने को ही मिलता है कि अगर आप बड़े डेडिकेशन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो गए, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। ऐसा मेरा मानना है और मैं इस चीज को मानता हूँ। आशा करता हूँ कि आप भी चीज को आगे से मानेंगे। पॉजिटिव रहिए तथा खुशियों को बांटिए, और अच्छी अच्छी कहानियों को अपने जीवन में पढ़ते रहिए। बस इतना ही कह के मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसी और भी कहानियों को पढ़ना चाहते हो तो मोटिवेशनल कीड़ा आपका स्वागत करता है। यहाँ पर आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए और मेंटली स्ट्रांग करने के लिए काफी सारी कहानियों का संग्रह मिलेगा। इस कहानी को देखने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।